अरे पलट गई क्या भैया? जाना तो है ही। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और अभी का सीन ऐसा है कि मैं, अंकित, आलोक जा रहे एक फ्लैट लेने, क्योंकि हम सबको साथ में काम करना है। इस चक्कर में एक फ्लैट की ज़रूरत तो है, उसी लिए अब जा रहे फ्लैट लेने। अब बाकी वहाँ जाके देखूँगा कि क्या सब सोचे हैं वो सब। अभी फ़िलहाल तो जा रहा हूँ आलोक को उसके घर पे लेने। अब फटाफट चलते हैं आलोक के यहाँ, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ अक्सर। सब बंदे फ़ोन तो करते हैं मुझे जल्दी, बट मैं ही लेट हो जाता हूँ अक्सर। अब देखता हूँ वहाँ क्या है नहीं है, बाकी अब जाना तो है ही। आज वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बता नहीं सकता हूँ, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह इतना बढ़िया मौसम था ना, सुबह सुबह देख के लग नहीं रहा था कि गर्मी होगी आज, मगर अचानक ही गर्मी बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। यहाँ का कोई भरोसा नहीं, दिल्ली में कब ठंडा मौसम होगा कब गर्मी होगा, कि कोई भरोसा नहीं, कोई आइडिया ही नहीं होता यहाँ। दिल्ली के अंदर ना जितने इलाके हैं ना, सब इलाकों में ऐसे खोद खोद के छोड़ दिए हैं, भूल गए बनाने के लिए सरकार। सबर सिविल के चक्कर में ना ये खोद के भूल गए हैं ठीक करना। अब इसका दिक्कत तो हमें हो रहा है, उनका क्या है, उनके सोसाइटी में तो अच्छा ही बनना होगा जहाँ तक पता है। बाकी हमारे इधर तो भाई सब ऐसे रोड बन गए हैं, पहले कितने अच्छे रोड थे मगर अब ख़राब हो गए पूरे। काफ़ी लेट करा दिया इस आलोक ने, और अंकित भी फिलहाल आने वाला ही है। और भाई साहब कैसे हो? गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये गलत बात है, किसी को नहीं पकड़, इसको पकड़। कहाँ यार ये आलोक, आज वैसे हमेशा मैं लेट होता हूँ, आज आलोक लेट है। अच्छा तभी तो सोचूं फोन कैसे ऑफ है। अरे मुझे आलोक का ना घर पता नहीं था ना, इसलिए। ये है क्या घर आलोक का? अबे कुत्ते अभी तक मुंह ही धो रहा है। अबे इसका इसका डायलॉग तू कब से मारने लग गया इसका? भाई साहब लो भाई फिर से नमूनों के पास आ गया मैं, वो नमूना तो अभी तक मुंह ही धो रहा है अभी। आज मैं ना मोमोज खाने की फुल तैयारी कर रहा हूँ, डाट इसलिए पहने कर रहा हूँ। मोमोज से याद आया, वहाँ पे भंडारा हो गया, भंडारा हो गया। क्या लिंक है भाई? ये अपनी अपनी खासियत दिखाता ही रहता है हर जगह। एक मिनट रुक जा भाई, पहले मैं भी तो आ जाऊँ भाई। फिर से कॉमेडी चलती सी लो क्या किसी लो क्या किसी लो क्या अरे इधर आते स्विमिंग पूल दिखाता हूँ भाई, बड़ा मस्त है यार आलोक, तेरे घर के बगल में लोकेशन भाई साहब देखो स्विमिंग पूल है, मैं कूद के यहाँ से छलांग मारता हूँ। ओ मामा स्विमिंग पूल वो पंजिंग पंजिंग जंपिंग होती है ना गाइस, पंजिंग होती है ना, तो मैं यहाँ पे रस्सी टांग लेता हूँ, ये रस्सी भी मैंने बांध दिए कपड़े सुखाने के लिए। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? फ्लैट लेने, वोरा बिल्डिंग, वहीं जा रहे हैं ना हम फिलहाल। अपना भाई जो है अपना वो वर्किंग लोकेशन देख रहे हैं, पर्सनल प्राइवेट, तो ये मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, इसलिए इसका भी अंकित का काम चलता है, आपका तो है खैर मोटो ब्लॉगिंग। हाँ हाँ, और कुछ छोटे से गुटके को भी वायरल करते थोड़ा बहुत। गुटका बोलने दबा पड़ा है तो भाई, इस गुटके का सही नाम रख दिया विवेक का गुटका। कैसा लगा आप सभी को? 1 hour later
बहुत देर हो गए बाद कभी आठ ही करते करते अब निकलने का प्लान बना। कितना भाई क्या करे यार, तुम फ्रेश होने में इतना टाइम लेते हो। क्या बोला तूने भाई, जो भी बोला झूठ बोला है। ठीक भाई, तुम्हें चाय नाश्ता, तुम बताओ चाय नाश्ता करा दिया उसके बाद कह रहे हो पेट खराब हो रहा है, तो भाई अब देखना तो पड़ेगा। गाइस आप कमेंट में बता देना पेट खराब हो रहा है तो हम तो कुछ नहीं भाई, दोस्त एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा किसका खराब हुआ था, अंकित का? पपीते किसने खाए? अंकित ने। केले? अरे भाई मैं जरूर, तुम्हारी टी शर्ट पीली पीली कैसे हो रही है? शॉर्ट कहाँ है देखा, व्हाइट हो रही है। चलो भाई अब फटाफट चलते हैं। बाकी कहाँ जा रहे हैं? हम चल रहे हैं कमर्शियल GDA फ्लैट देखने। हाँ, अपने सेटअप के लिए, प्राइवेट पर्सनल सेटअप जो हमें चाहिए उसके लिए। चलिए आपको लोकेशन दिखाते हैं, प्लीज सजेस्ट करना आप भी कि आपको किसी को चाहिए हो तो। ठीक, झूठ बोल रहा था क्या? चलो आप मिलते हैं वहाँ रास्ते में। निकल चुके हैं घर से, अब जा रहे हैं हम अपने लिए फ्लैट देखने सारे मिलके जहाँ काम करेंगे। बाकी रोड तो ख़राब है क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुदवा के छोड़ दिया है बनाना, भूल गए। किसको याद कर रहा है तू विवेक? गाना गा रहा हूं मैं। अच्छा गाना गा रहा है। अरे पलट गई क्या भैया, बच गए क्या? बताओ यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरत ही नहीं पड़ी, दो ही बंदे काफी थे। बाकी ऐसा कुछ देख लो तो मदद कर दिया करो, आप सभी से भी बोलूंगा यही बात। एक मिनट रुको, एक मिनट, इधर जाना ही। बताओ जिंदगी में फैसला कैसे लो? फैसला ऐसे लेना, लूंगा तो ये मर जाएगा। हां तो ये मर जाएगा। तो एक काम कर, खड़ी कर चाबी पे, पैदल चल। नहीं देख, छोटे की बात मान लीजिए। नहीं एक काम कर, यहाँ नहीं लगी है, मेरे वहाँ लगी है यार। यार वो ज्यादा दूर हो जाएगा। एक काम कर, पहले चलते काम करवा लेते फिर चल लेंगे। खत्म हो जाएगा भंडारा। अच्छा भंडारा खत्म हो जाएगा, तू जाएगा भी तो अट्टी बट्टी कर ले, अट्टी बट्टी कर ले। ले ले मैंने कर ली ओए, मैंने कर रखी है। ठीक का बाइक बिना हेलमेट के ना चलाया करे, हेलमेट लगाना बहुत जरूरी है। हाँ हम सब तो मस्ती में यही पास में जा रहे हैं, ब्लैक लिस्ट में नहीं जा रहे हैं, बगल में जा रहे थे इसलिए थोड़ा मिलावट हेलमेट है। बाकी आप लोग हेलमेट बजा देना। हाँ भाई मांगे तो गंदे गंदे कमेंट मत मारना प्लीज, रुको तुम आगे नंबर प्लेट दिख जा। अबे गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम जहां पे लेंगे हम फ्लैट। बाकी क्या सब बातचीत चल रही है यही सब जानेंगे, मुझे तो पता नहीं है। आ जाए। One hour later. ये देख तो आए फ्लैट, बाकी ये भाई बताएंगे आगे का। भाई अंकित सो रहा है क्या? अभी ऐसा है हम लोगों ने 3-4 फ्लैट ले लिया और ट्रिपलिंग नहीं कर रहे, इसको अभी बिठा लिया हमने। फ्लैट हमने देख लिया, 3-4 फ्लैट देखे हैं, बट एक कहते हैं ना माइंड सेटिस्फेक्शन वाली बात कहीं भी लगी नहीं हमको। तीन चार जगह और जाके देखेंगे, अगर आता है आज ही आदमी फाइनल कर लेंगे, आज आदमी फाइनल कर लेंगे, फिर तो बताते भाई और बताते। चल ठीक है बता दियो, बाकी मुझे तो भाई अभी समझ में नहीं आ रहा, मेरा माइंड हैंग हो चुका है देख के। चलो ठीक है भाई, ठीक अपना फेवरेट वाला साला मानुस सो रहा था, धोखा दे रहा है। ये नहीं सुधरेगा, आराम से जाइए। हाँ मोमोज का बनाते हैं शाम का प्लान। चल ठीक है, बाकी आगे सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। हमने 4 फ्लैट देखे, चारों में से सारे बढ़िया लगे, बट कंफ्यूज हो गए हैं कि जब चीज़ आप अच्छी अच्छी देखोगे ना और कुछ नया अपने दम पे लेने जाओगे ना तो कंफ्यूजन होती है, तो वही बात है कि कंफ्यूज हो गए हम सारे। अब जो होगा शाम में पता चल ही जाएगा, सब दोस्त फिर से बात करेंगे कॉल पे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है नहीं करना है। बाकी देख तो आए हैं इसी बहाने, घूम भी आए, कुछ समझ में भी आया, कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जब आप नया कुछ करने जाओ तो अब तो अपने आप पता चल जाता है क्या है नहीं है, सही गलत का फ़र्क पता चल जाता है अपने आप। बाकी अब जा रहा हूँ घर,
यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग को एंड। थैंक यू लास्ट तक बने रहने के लिए। चलो बाय बाय।